दुनिया में हर वर्ग के लोगों को शिक्षित होने का पूरा अधिकार है। इसी के चलते बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया है, जिसके चलते मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में पहली बार 253 किन्नर शामिल हो रहे हैं। दरअसल बोर्ड ने इस साल ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में थर्ड जेंडर का भी कॉलम रखा था, जिसमें खुलासा हुआ है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में 253 किन्नर शामिल हो रहे हैं। बिहार बोर्ड पहली बार ट्रांसजेंडर्स को हर चीज़ में अलग सुविधा देगी। एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट और सर्टिफिकेट तक में उनकी पहचान दर्ज होगी। उत्तर पुस्तिका में भी इसके लिए एक कॉलम रखा गया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की माने तो परीक्षा में किन्नरों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल मैट्रिक में 8 और इंटर में 245 ट्रांसजेंडर परीक्षार्थी हैं। आपको बता दें कि मैट्रिक की परीक्षा में जमुई, मधुबनी, गया और औरंगाबाद के ट्रांसजेंडर तो इंटर में जमुई, मधुबनी, सिवान, सारण, कैमूर, वैशाली, बांका, पटना, गया और औरंगाबाद में ट्रांसजेंडर शामिल हैं। आमतौर पर किन्नर नाच गाकर अपनी जीविका को चलाते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड ने जिस तरह से किन्नर परीक्षार्थियों को शामिल किया गया है, उसे किन्नर समाज के लिए एक नई शुरुआत से जोड़कर देखा जा रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।